Hello everyone, let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous class, we started our first topic, which was English legal system. And in that, we started the first chapter, which was law and legal system. सबसे पहली डिस्कशन बेटा इसमें जो हमने करी थी वो ये थी कि व्हाट द लॉ इज, लॉ क्या होता है। तो याद करें बेटा हमारी डिस्कशन रही कि कोई भी सोसाइटी लिवेबल उस वक्त होगी जब उधर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉर्मल हों, डॉक्यूमेंटेड हों, इन्फोर्सेबल हों तो वो लॉ कहलाएंगे, और अगर वो इन्फोर्सेबल ना हो, बस वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस हो, तो उसे हम मॉरल वैल्यूज के नाम देते हैं। याद है बेटा, इफ इट इज फॉर्मल देन इट इज अ लॉ, बट इफ इट इज इनफॉर्मल देन दीज आर मॉरल वैल्यूज। और फिर हमने टाइप्स ऑफ लॉ में सबसे पहले कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ पर बात करी। हम यूके लॉ की हिस्ट्री में गए, बैक इन 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, किस तरह किंग ने अपनी जजेस लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों के मसाइल सुने, उन्हें रिजॉल्व किया, कॉमन डिसीशंस को डॉक्यूमेंट किया, वेस्ट मिनिस्टर हाउस लंदन, कॉमन लॉ डेवलप होना शुरू हुआ। इट वॉज अ स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड स्ट्रक्चर एंड द ओनली रेमेडी वॉज मॉनेटरी कंपनसेशन। लेकिन कुछ लोग जो कॉमन लॉ से खुश नहीं थे वो किंग के पास आए, तो किंग ने कॉमन लॉ को खत्म नहीं किया, बोला कॉमन लॉ एक कंप्लीट बुक ऑफ लॉ बन रही है। उसने इसी के पैरेलल एक और कॉन्सेप्ट शुरू किया, विच वॉज इक्विटी। उसने अपने चांसलर, अपने वजीर को कहा कि आप लोगों के मसाइल को सुने, जो डिससेटिस्फाइड है उनके इश्यूज को सुने। तो क्या मसाइल नजर आए, कुछ लोग कॉमन लॉ के स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड सिस्टम से नाराज थे, कुछ लोग मॉनेटरी कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो एक पैरेलल सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, दैट वाज कॉल्ड एज इक्विटी, जिसका फोकस फेयरनेस के ऊपर था और जिसने न्यू रेमेडीज इंट्रोड्यूस करी। याद करें बेटा, परफॉर्मेंस की रेमेडी, इंजंक्शन की रेमेडी, इन सब पर बात की। फिर हमने ये बात करी कि आज यूके में बादशाहत का दौर खत्म हो गया, किंग की जो पावर्स हैं वो डाइल्यूट हो गई हैं, अब सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास आ गई हैं। तो जो इक्विटी था किंग और उसका चांसलर, वो कॉन्सेप्ट अब डाइल्यूट हो गया है, और अब वो सारा सिस्टम कॉमन लॉ यानी जजेस देख रहे हैं, और एक नया सिस्टम क्रिएट हो गया जिसे हम स्टैट्यूट लॉ कहते हैं, जो कि पार्लियामेंट बनाती है। देखिए बेटा, डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पावरफुल होंगे, बेटा डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पावरफुल होंगे, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ बनाएंगे। डेमोक्रेसी में लॉ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे, और उसे हम स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन या एक्ट का नाम देते हैं, और पार्लियामेंट फिर कंप्लीट एंड डिटेल्ड लॉज बनाएगी। देखें, कॉमन लॉ तो स्लो स्लो वक्त के साथ बन रहा है, बट स्टैट्यूट लॉ जो पार्लियामेंट बना रही है वो फुल फ्लेज लॉज बन बन के आएंगे। याद करें बेटा, यहां तक हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हो गई थी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। बेटा आज की डिस्कशन शुरू करते हैं किससे, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। देखें बेटा, दो तरह के लॉज हैं, जो लॉज बन रहे हैं वो दो तरह के बन रहे हैं। एक लॉ है जो पब्लिक लॉ है, बेटा पब्लिक लॉ वो लॉ है जो पब्लिक एट लार्ज पर अप्लाई होता है। पब्लिक लॉ वो लॉ है जो पब्लिक एट लार्ज पर अप्लाई होता है, इट अप्लाइज ऑन एवरीवन। ओके बेटा, जब हम पब्लिक लॉ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पब्लिक लॉ के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। पब्लिक लॉ वो लॉ है जो पब्लिक एट लार्ज पर अप्लाई होता है, यानी पूरे मुल्क पर अप्लाई होता है, हर इंसान पर अप्लाई हो रहा है। अब इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, एक तो जो पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पब्लिक लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसे हम उर्दू में आईन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी भी मुल्क का बेसिक लॉ है, कि भाई सिटीजन के क्या राइट्स हैं, सिटीजन की क्या ड्यूटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, पुलिस की पावर, पूरा एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमारे क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं, पुलिस की क्या पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की क्या पावर्स हैं, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पर अप्लाई होता है, सो इट इज अ पब्लिक लॉ। इसी तरह बेटा जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज क्या हो गए बेटा कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से चलेंगे, जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो भी पब्लिक लॉ है। और तीसरी जो चीज पब्लिक लॉ में आ जाती है वो है क्रिमिनल लॉ, जिसमें क्राइम वगैरह की डिस्कशन आ गई कि भाई अगर कोई बंदा लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है। समझिएगा, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। बेटा पब्लिक लॉ वो लॉ है जो किस पर अप्लाई होगा, पब्लिक एट लार्ज, ऑन एवरीवन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आ गए और क्रिमिनल मैटर्स आ गए। अच्छा, एक लॉ होता है प्राइवेट लॉ जो लोगों की इंटरनल डीलिंग्स को गवर्न करता है। मिसाल जैसे बेटा इंप्लॉयमेंट है, इंप्लॉयमेंट लॉ। अब इंप्लॉयमेंट लॉ पब्लिक लॉ नहीं है, ये हर किसी पर अप्लाई नहीं हो रहा। इंप्लॉयमेंट लॉ अप्लाई हो रहा है इंप्लॉयर और इंप्लॉई पर, हर बंदा तो इंप्लॉई नहीं है ना बेटा। इसी तरह पार्टनरशिप लॉ हर किसी पर अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। समझो, थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनना बेटा। प्राइवेट लॉ वो लॉ है जो लोगों के आपसी मसाइल हैं, इंडिविजुअल्स के इंटरनल मसाइल हैं, जिससे वो आपस के डिस्प्यूट सेटल करेंगे। जबकि पब्लिक लॉ का ताल्लुक किससे, सरकार से, और पब्लिक एज अ होल पूरे मुल्क से इसका ताल्लुक है। थोड़ा सा गौर से सुन, देखो बेटा दो तरह के लॉज हैं, एक पब्लिक लॉज हैं, पब्लिक लॉ सब पर अप्लाई होता है, पब्लिक लॉ सब पर अप्लाई होता है ऑन एवरीवन। इसमें मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आ गए, क्रिमिनल मैटर्स आ गए। पब्लिक लॉ मेनली कंसर्न्स गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो कवर्स क्रिमिनल लॉ। पब्लिक लॉ केसेस आर ब्रॉट टू द कोर्ट बाय द स्टेट, सरकार खुद इसमें इंटरेस्ट लेती है क्योंकि ये वो लॉ है जो सब पर अप्लाई हो रहा है। प्राइवेट लॉ इज अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद अ सिस्टम टू सेटल देयर डिस्प्यूट। इट इज फॉर एन इंडिविजुअल टू टेक अ प्राइवेट लॉ मैटर टू कोर्ट। प्राइवेट लॉ हमारे आपसी मसाइल है। दोबारा सुनो बेटा, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का डिस्प्यूट हो जाए, सुनो मेरी बात बेटा, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का डिस्प्यूट हो जाए, ये पब्लिक इशू है प्राइवेट इशू है? प्राइवेट इशू है, आपसी मसला है। हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो जाए, पब्लिक इशू है प्राइवेट इशू है? प्राइवेट इशू है। सप्लायर और कस्टमर का डिस्प्यूट हो जाए, प्राइवेट इशू है? पार्टनर्स के दरमियान डिस्प्यूट हो जाए, प्राइवेट इशू है? भाई इनकी आपस की बात है, ये खुद रिजॉल्व करेंगे, लॉ मौजूद है उसको यूज करके सेटल कर लें, कोर्ट चले जाए, बट आपस का मसला है, बट आपस का मसला है। पब्लिक लॉ जो सबसे रिलेटेड है, बेटा कोई चोरी हो गई, मर्डर हो गया, अभी आपस का मसला नहीं है, अब ये सबका मसला है, अब इसमें सरकार इंटरेस्ट लेगी। सुनो मेरी बात, देखो बेटा सिर्फ रीडिंग नहीं, समझना है कॉन्सेप्ट को, और बुक से बियॉन्ड जाकर पढ़ना है। बुक तो बहुत लिमिटेड बात कर रही है। समझो, दो तरह के लॉ है, एक पब्लिक लॉ है जो सब पर अप्लाई होता है, जिसका ताल्लुक कंट्री एज अ होल से है, जिसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविलियन के राइट्स है, ये पब्लिक मैटर है ना, जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं कि पुलिस कैसे काम करेगी, रेलवे कैसे काम करेगी, या जो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, ये पब्लिक लॉ है, पब्लिक मैटर्स है, इसमें सब इन्वॉल्व होंगे। और एक है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ क्या है? आपसी मसाइल है, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कस्टमर सप्लाई, आपसी मसले भाई, इसका ताल्लुक सबसे नहीं है। भाई आपने मिर्चावाला में एडमिशन लिया, ये प्राइवेट मैटर है ना, ये स्टूडेंट टीचर का प्राइवेट मैटर है, कोई पूरी दुनिया थोड़ी आ जाएगी, प्राइवेट मैटर है हमारा, आपसी मसला है। बट चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, स्मगलिंग हो जाए,
ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक मैटर है, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है भी। एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाल दिया तो कोई मुल्क के हालात थोड़ी खराब हो गए, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी खराब हो गया, आपसी बात थी, प्राइवेट मैटर है। तो देखो बेटा, दो तरह के लॉज हैं, समझो इस बात बेटा, दो तरह के लॉज हैं। एक है पब्लिक लॉज, पब्लिक लॉ क्या है, जो पब्लिक एट लार्ज पे लग रहा, विच अप्लाइज ऑन एवरीवन, पब्लिक लॉ, सरकार इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आ गए, हमारे क्रिमिनल मैटर्स आ गए। प्राइवेट लॉ क्या है, जो आपसी मसाइल है। देखें बेटा, गवर्नमेंट दोनों तरह के लॉज बनाएगी, स्टेट दोनों तरह के लॉज बनाएगी। आज हम डेमोक्रेसी के अंदर बैठे तो लॉज पार्लियामेंट बना रही है, लेकिन अगर किसी मसले पर पार्लियामेंट का लॉ मौजूद नहीं है तो कोर्ट लॉ बना रही है। बट ये जितने भी लॉज बन रहे हैं, ये या तो पब्लिक लॉ है या प्राइवेट लॉ है। पब्लिक लॉ विच अप्लाइज ऑन एवरी वन, पब्लिक लॉ विच अप्लाइज ऑन एवरी वन, विच कंसर्न्स द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, द क्रिमिनल मैटर्स। प्राइवेट लॉज, दीज आर ऑल्सो मेड बाय द गवर्नमेंट, बट दीज लॉज आर फॉर इंटरनल इश्यूज ऑफ पीपल, इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं। आर यू गेटिंग इट? भाई मैंने किसी को लोन दिया, मैं माफ कर दूं, हमारा आपसी मसला। मैं लोन नहीं दे रहा, वो केस कर दे, हम सेटल कर लें, हमारा आपसी मसला। बेशक कोर्ट ऑर्डर देगी, लेकिन है हमारा आपसी मसला, इसमें गवर्नमेंट थोड़ी आ जाएगी। सो वन इज पब्लिक लॉ विच कंसर्न्स द पब्लिक एज अ होल। देखिए बेटा, पब्लिक लॉ में स्टेट इन्वॉल्व है, स्टेट केस फाइल करेगी। प्राइवेट लॉ लोगों के आपसी मसले। अब बेटा जो क्रिमिनल लॉ है, जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो एक पब्लिक लॉ है। अच्छा, प्राइवेट लॉ के अंदर हमारे पास सिविल केसेस आ जाते हैं। प्राइवेट लॉ को हम अक्सर सिविल केस भी बोलते हैं, लोगों के आपसी मसाइल। तो यही पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ से फिर आगे बात बढ़ती है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। इसी से बात आगे बढ़ती है तो हमारे पास क्या बात आ जाती है, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब देखिए, ये इसी की डिस्कशन आगे कंटिन्यू हो रही है। नाउ अब बेटा, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ क्या है, गौर से सुनिएगा। देखिए, क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से। बेसिकली ये गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स हैं, जिसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, कि भाई आप चोरी नहीं करोगे, आप डकैती नहीं करोगे, आप ट्रैफिक लॉस को फॉलो करोगे। क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, और सिविल लॉ का ताल्लुक है राइट्स ऑफ पीपल से। अच्छा, अब सुनिएगा, क्रिमिनल लॉ एक पब्लिक लॉ है, ये सब पर अप्लाई होता है। क्रिमिनल लॉ एक पब्लिक लॉ है, सब पर अप्लाई होता है। लेकिन बेटा, पब्लिक लॉ में क्रिमिनल लॉ भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी आते हैं। पब्लिक लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल सब आता है। गौर से सुनो, पब्लिक लॉ क्या है, जो सब पर लग रहा है। पब्लिक लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट्स ऑफ द पीपल, सिटीजन कौन होगा, है भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी है पब्लिक लॉ के अंदर। पब्लिक लॉ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी हैं कंट्री के, और पब्लिक लॉ में क्रिमिनल लॉ भी। क्रिमिनल लॉ समथिंग रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर, सिविल लॉ क्या है, राइट्स ऑफ पीपल। ये प्राइवेट लॉ का मैटर है, ये प्राइवेट लॉ का मैटर है। अब सुनते जाएं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेटा, क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, इधर देखें, क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक किससे है बेटा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से। सिविल लॉ का ताल्लुक राइट्स ऑफ पीपल से है। बेटा, क्रिमिनल लॉ, अगर आप क्राइम करोगे तो आपके खिलाफ केस स्टेट फाइल करेगी, सरकार आपके खिलाफ केस फाइल करेगी, उसे हम प्रोसिक्यूशन बोलेंगे। सिविल लॉ के अंदर अगर आप गलती करोगे, जो आपसी राइट है, तो आपके अगेंस्ट एक क्लेमेंट, जिसे आपने नुकसान पहुंचाया है, वो केस फाइल करेगा। देखो बेटा, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या फर्क है। देखो, एक हेडिंग मैंने दे दी क्रिमिनल, और एक हेडिंग मैंने दे दी सिविल।
क्रिमिनल क्या है बेटा? क्रिमिनल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। क्रिमिनल क्या है बेटा? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ओके, बेसिकली दीज आर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। और सिविल क्या है बेटा? राइट्स ऑफ पीपल। यहां लोगों के राइट्स की बात है, सुनते जाओ बेटा। क्रिमिनल में केस कौन फाइल करेगा? स्टेट फाइल करेगी। सिविल में केस कौन फाइल करेगा बेटा? क्लेमेंट, जिसका राइट आपने क्या है वो केस फाइल करेगा। सही बेटा, क्रिमिनल में एक है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर कौन है? स्टेट, जो आपके खिलाफ केस फाइल कर रही है। और एक कौन है? डिफेंडेंट, जो अपने आप को बचा रहा है। सिविल में कौन है? क्लेमेंट, जिसका राइट ब्रीच हुआ है, या उसी का दूसरा नाम होता है प्लेंटिफ। और दूसरा बंदा कौन है? डिफेंडेंट। सुनते जाओ बेटा, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का फर्क पड़ रहा है। क्रिमिनल का ताल्लुक किससे? लॉ एंड ऑर्डर से। सिविल का ताल्लुक किससे? राइट्स ऑफ पीपल से। क्रिमिनल में केस कौन फाइल करेगा? स्टेट। सिविल लॉ, राइट्स ऑफ पीपल, जिसका राइट थोड़ा है वो केस फाइल करेगा। क्रिमिनल में स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर, वो आपके खिलाफ केस फाइल कर रही है। सिविल में क्लेमेंट या प्लेंटिफ, और दूसरी तरफ डिफेंडेंट। बेटा क्रिमिनल केस को हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल केस को हम क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूशन। जबकि सिविल केस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिटिगेशन। क्रिमिनल केस को हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, और सिविल केस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिटिगेशन। बेटा क्रिमिनल केस में आपको सजा हो जाएगी, जब आप क्राइम करोगे तो आपको सजा हो जाएगी। सिविल केस में सजा नहीं है, सिविल केस में कंपनसेशन देनी होगी। बेटा मिसाल, रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी है, आपने नहीं रोकी। सुनिए इधर, रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी है, आपने नहीं रोकी। किसी को हिट नहीं किया, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रेड लाइट थी, आपने चारों तरफ देखा, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, आपने गाड़ी क्रॉस कर दी। पुलिस वाले ने आपका फाइन कर दिया, चालान काट दिया। आपने कहा किसी को गाड़ी हिट तो नहीं हुई, फिर क्यों फाइन काट रहे हो? तो उसने कहा सर ये क्रिमिनल मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, आपको पनिशमेंट होगी, फाइन होगा। सिविल मैटर, मैं किसी का राइट तोड़ूंगा तो पनिशमेंट नहीं है, बस मुझे उसे क्या देनी पड़ेगी बेटा? कंपनसेशन देनी पड़ेगी, मुझे उसे रेमेडी देनी पड़ेगी। ओके बेटा, क्रिमिनल मैटर फैसला होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। व्हाट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? जहां जज को शक की कोई और गुंजाइश ना हो। देखो बेटा, जब तक जज 100% सेटिस्फाई नहीं होगा, वो पनिशमेंट नहीं देगा। जब तक जज 100% सेटिस्फाई नहीं होगा, वो पनिशमेंट नहीं देगा, वो केस को चलने देगा। जबकि सिविल के अंदर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी मेजॉरिटी एविडेंसेस की बेसिस पर फैसला होता है। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी मेजॉरिटी एविडेंसेस की बेसिस पर फैसला होता है। देखो बेटा, बातों को गौर से सुनो। एक है पब्लिक लॉ, एक है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ जो पब्लिक एट लार्ज पर लग रहा है, सब पर अप्लाई हो रहा है। पब्लिक लॉ में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क का, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो सिटीजन की डेफिनेशन देता है, बेसिक राइट्स डिफाइन करता है। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, कंट्री कैसे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, जो सरकारी पब्लिक बॉडीज के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, वो भी पब्लिक लॉ है। और क्रिमिनल लॉ, ये तीनों चीजें सब पर अप्लाई होती हैं। और क्या आ गया? प्राइवेट लॉ, लोगों के आपसी मसाइल, जिसे हम सिविल राइट्स ऑफ पीपल बोलते हैं। अब क्रिमिनल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। सिविल क्या है? राइट्स ऑफ पीपल। क्रिमिनल में केस कौन करेगा? स्टेट। बेटा देखो, आप चोरी करते हो तो आपकी एफआईआर कटती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफआईआर करती है, सरकार उसे इन्वेस्टिगेट करती है और फिर आपके खिलाफ सरकार केस फाइल करती है। स्टेट आपके खिलाफ केस फाइल करेगी, प्रोसिक्यूशन
स्टेट का वकील खड़ा होगा, सिविल आपसी मसला है, लिटिगेशन, यहां पनिशमेंट है यहां कंपनसेशन है। क्रिमिनल मैटर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जब तक जज को 100% यकीन नहीं हो जाएगा वो सजा नहीं सुनाएगा, जब तक जज को 100% यकीन नहीं हो जाएगा वो सजा नहीं सुनाएगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिविल बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मेजॉरिटी एविडेंस, क्योंकि सिविल में सजा नहीं है, सिविल में तो कंपनसेशन है। भाई मैंने एक इंप्लॉय को निकाल दिया तो क्या मुझे जेल थोड़ी हो जाएगी, मैक्सिमम मुझे कंपनसेशन पैसे देने पड़ जाएंगे। क्रिमिनल में सजा है, जेल हो जाएगी, फाइन हो जाएगा, तो इधर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। ओके नाउ देखें जरा, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन माने फर्क करना, बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी इज सेंट्रल इंपॉर्टेंट टू इंग्लिश लीगल सिस्टम एंड टू द वे द कोर्ट सिस्टम इज स्ट्रक्चर। देखिए बेटा याद रखिएगा, क्रिमिनल केसेस की कोर्ट अलग होती है और सिविल केसेस की कोर्ट्स अलग होती है, ये पूरे अलग अलग सिस्टम है। क्रिमिनल का ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है, यहां सजा है, सिविल का ताल्लुक राइट्स ऑफ पीपल से है, यहां कंपनसेशन है। क्रिमिनल लॉ एक पब्लिक लॉ है, अप्लाइज ऑन एवरी वन, स्टेट बीच में आ जाएगी। सिविल लॉ प्राइवेट लॉ है, आपसी मामला। ओके क्रिमिनल क्राइम क्या है, कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, केस कौन करेगा, द स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर, सरकार आपके खिलाफ केस लड़ेगी क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है। द स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर बिकॉज द कम्युनिटी एज अ होल सफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉ बीइंग ब्रोकन, हु ब्रिंग्स द केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, जिसने क्राइम किया है, जिस पर इल्जाम है। क्रिमिनल लॉ की बात हो, द पुलिस टेक्स इनिशियल डिसीशन, पुलिस आपको अरेस्ट करती है टू प्रोसिक्यूट, बट दिस इज रिव्यूड बाय क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। अच्छा बेटा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन यहां एक वर्ड यूज हुआ तो समझा दूं, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। बेटा पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस ही केस को इन्वेस्टिगेट करती है और फिर पुलिस ही आपके खिलाफ केस फाइल करती है, लेकिन यूके के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, कि पुलिस अरेस्ट करने के बाद केस इस डिपार्टमेंट को दे देती है, फिर ये डिपार्टमेंट केस को इन्वेस्टिगेट करता है और केस फाइल करता है। इसका पर्पस ये है कि यूके में एक आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, सुनिएगा मेरी बात बेटा, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस बायस्ड होती है। देखो बेटा अगर पुलिस वाले ने मुझे अरेस्ट कर लिया तो वो तो पहले से डिसाइडेड है कि मैंने क्राइम किया है, तो वो मेरी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली नहीं करते, सुने मेरी बात बेटा, अगर पुलिस वाले ने मुझे अरेस्ट कर लिया, लेकिन पुलिस वाला तो सजा नहीं देगा ना, सजा तो कोर्ट देगी, तो पुलिस अरेस्ट के वक्त ही डिसाइड कर लेती कि ये बंदा क्रिमिनल है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली गैर जानिबदारी के साथ नहीं करती, तो यूके में इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया है, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, जो पोस्ट अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा और कोर्ट में केस भी लड़ेगा एज अ प्रोसिक्यूटर एज अ स्टेट, ताकि प्रोसेस में इंडिपेंडेंस आए, फालतू केसेस पहले ही ड्रॉप हो जाए। द बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने का अमल, द बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ करने का बर्डन प्रोसिक्यूटर पर है, स्टेट पर है। द प्रोसिक्यूटर मस्ट प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ऐसा लेवल जहां शक ना हो कोई भी, फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो सकती है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विस, कभी कभी कभार आपको कह दिया कि ओके भाई आपने क्राइम किया है लेकिन हम आपको जेल नहीं कर रहे, आप सोसाइटी को ये सर्विसेज दे दो, है भी जैसे अक्सर होता है कि भाई मिसाल के तौर पर एक टीचर है तो आप इतने लोगों को पढ़ा दो, या आप इस कंस्ट्रक्शन काम में एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर लो, कम्युनिटी बेस्ड सर्विस आर मेथड्स ऑफ पनिशमेंट।
एक है क्रिमिनल लॉ, जिसका ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर से। अगर आपने क्रिमिनल सिचुएशन क्रिएट कर दी, अगर आपने क्राइम कर दिया, तो बेटा आपके खिलाफ कौन केस फाइल करेगा? स्टेट। स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर, स्टेट आपके खिलाफ केस फाइल करेगी। केस को क्या बोलेंगे? प्रोसिक्यूशन। आपको क्या हो जाएगी? पनिशमेंट। पुलिस इन्वॉल्व होगी, लेकिन यूके के अंदर पुलिस पोस्ट अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। उस काम के लिए एक डिपार्टमेंट है, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, जो पोस्ट अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा और कोर्ट में केस लड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी प्रूफ करने की जिम्मेदारी, बर्डन पुलिस के ऊपर, प्रोसिक्यूटर के ऊपर होगी। यूके में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस पर होगी। स्टेट का डिपार्टमेंट है, सरकार का डिपार्टमेंट है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना। देखो बेटा, एक वर्ड होता है, ये आपको एग्जाम में नजर आएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। कौन प्रूफ करेगा? एक वर्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर है। और एक वर्ड होता है बेटा, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, कि किस हद तक प्रूफ करना है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आया? प्रोसिक्यूटर के ऊपर आया कि वो प्रूफ करेगा। कितना प्रूफ करेगा? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एक ऐसा लेवल जहां जज को किसी किस्म का कोई शक ना रह जाए, किसी किस्म का कोई डाउट ना रह जाए, 100% साबित कर दिया कि इसने क्राइम किया है। सिविल केस में क्या होगा? सिविल प्रोसीडिंग, द इंडिविजुअल क्लेमेंट ब्रिंग्स द केस टू द कोर्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ रेस्ट ऑन द क्लेमेंट, क्लेमेंट साबित करेगा। द क्लेमेंट मस्ट प्रूव देयर केस ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मेजॉरिटी एविडेंस। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट, द कंपनसेशन इज पेड। बोथ पार्टीज में चूज टू सेटल द केस, आपसी मसला है, अगर चाहें तो सेटल भी कर लें। आपसी मसला है, चाहें तो क्या कर लें बेटा? सेटल भी कर लें। आपसी मसला है, चाहें तो सेटल भी कर लें। तो देखो बेटा, बात को गौर से सुनो। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ किताब की लाइनों तक नहीं, उससे आगे जाकर पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पब्लिक लॉ विच अप्लाइज ऑन एवरी, पब्लिक लॉ विच अप्लाइज ऑन एवरी वन, प्राइवेट लॉ राइट्स ऑफ द पीपल, आपसी मसला है। पब्लिक लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, क्रिमिनल लॉ है। प्राइवेट लॉ आपसी मसला है, दो लोगों का इंटरनल मसला, दो पार्टीज का इंटरनल मसला है। अब पब्लिक लॉ के अंदर निकला क्रिमिनल लॉ, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर अप्लाइज ऑन एवरी वन, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर अप्लाइज ऑन एवरी वन। आप क्राइम करोगे, स्टेट बीच में आ जाएगी, क्राइम करोगे स्टेट बीच में आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। ओके, क्राइम करोगे स्टेट बीच में आ जाएगी। भाई एक मिसाल ले लो, भाई कोई बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, कोई बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने कहा सर ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे दिलवा दो। तो पुलिस क्या बोलेगी कि सर ये आप लोगों का आपसी मसला है, ये कोई क्राइम नहीं है। क्या उसने आपको मारा, पीटा, सर फाड़ दिया, फिजिकल हो गया तो क्राइम हो जाएगा। अभी तक उसने कोई क्राइम नहीं किया, आप कोर्ट जाओ, पुलिस का मैटर नहीं है। तभी आपको पता कितने लोग क्या करते हैं, यार मेरे पैसे नहीं दे रहा। तब बोला भाई अब आप जाओ कोर्ट, सिविल केस फाइल करो। लेकिन यार अभी सिविल केस तो कितने अरसे बाद होगा, तो आप कोशिश करते हो कि वो आपको एक आध चमाट अमाट मार दे और आपका खून निकल आए। क्योंकि जैसे ही खून निकल आया, उसने मारा, क्रिमिनल मैटर हो गया, मैं कोर्ट पुलिस के पास चला जाऊंगा, क्राइम हो गया, पुलिस आ जाएगी, क्राउन प्रोसिक्यूटर आ जाएगा, पनिशमेंट आ जाएगी। सिविल आपसी मैटर है, प्राइवेट लॉ है, कोर्ट जाओ सेटल करो, आपस में सेटल करो। क्रिमिनल में पनिशमेंट है, सिविल में कंपनसेशन है। ये दो हेड ऑफ लॉ है जो डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं। क्रिमिनल के कोर्ट अलग है, सिविल के कोर्ट अलग है, क्रिमिनल के रूल्स ही अलग है भाई।
क्योंकि क्रिमिनल में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिविल में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? प्रोबेबिलिटी, मेजॉरिटी। ओके, नाउ इट इज नॉट एन एक्ट और इवेंट विच क्रिएट्स डिस्टिंक्शन बट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अ सिंगल इवेंट माइट गिव राइज टू क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। अच्छा बेटा देखिए, एक बात याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि एक एक्ट में क्रिमिनल इशू भी आ जाए और सिविल इशू भी आ जाए, एक इवेंट में क्रिमिनल और सिविल दोनों का इशू आ जाए, ये भी हो सकता है। मिसाल सुनिएगा, सुनिएगा, बहुत प्यारी मिसाल देता हूं बेटा। एक बंदा गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, उसने आकर मुझे टक्कर मार दी, उसने कानून तोड़ा, गलत गाड़ी चला रहा था, तो क्रिमिनल मैटर हो गया भाई। उस वो गाड़ी गलत चला रहा था, क्रिमिनल मैटर हो गया, उसको जेल होगी, लाइसेंस होगा, फाइन लगेगा। लेकिन मैंने जज को कहा, मैंने कहा सर एक छोटी सी गुजारिश है, मैंने जज को कहा कि एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इसको कहिए कि इसने मुझे जो गाड़ी टक्कर मारी तो अब मैं कमा नहीं पा रहा, तो मुझे कंपनसेशन दी जाए, मेरी सिविल राइट। दोबारा 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 बेटा, एक बंदे ने सिग्नल तोड़ा, मैं चलता हुआ जा रहा था, आके टक्कर मार दी, जख्मी कर दिया मुझे, पुलिस आई, उसे अरेस्ट करके ले गई, 6 महीने की जेल कर दी। मैंने जज को कहा, मैंने कहा सर 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 इसने मुझे जख्मी कर दिया, मेरी टीचिंग रुक गई, मैं पढ़ा नहीं पा रहा, लॉस ऑफ इनकम, आप इसको जेल में डालो, मारो, कुछ भी करो, मेरा इससे ताल्लुक नहीं, पनिश करो, कुछ भी करना है करो, मुझे क्या दिलवा दो कंपनसेशन। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल इवेंट में क्रिमिनल और सिविल दोनों का केस क्रिएट हो जाए। पढ़ो, इट इज नॉट एन एक्ट और इवेंट विच क्रिएट्स द डिस्टिंक्शन। यानी ऐसा नहीं कि ये एक्ट क्रिमिनल है, ये एक्ट सिविल है, इट डिपेंड्स ऑन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी समझो, एक एक्ट के अंदर क्रिमिनल और सिविल दोनों हो सकता है, एक एक्ट के अंदर क्रिमिनल और सिविल दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रोकन लेग कॉज बाय अ पेडेस्ट्रियन बाय अ ड्रंक ड्राइवर इज अ सिंगल इवेंट विच में गिव राइज टू क्रिमिनल, क्योंकि वो नशे में गाड़ी चला रहा था, क्राइम हो गया, एंड गिव राइज टू सिविल। उस पेडेस्ट्रियन ने कहा सर मुझे कंपनसेशन तो दिलवा दो, उस पेडेस्ट्रियन ने कहा मुझे कंपनसेशन तो दिलवा दो। तो ऐसा हो सकता है कि एक इवेंट में क्रिमिनल और सिविल दोनों कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो जाए, एक इवेंट में क्रिमिनल और सिविल दोनों कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो जाए। मिसाल मिसाल बेटा, पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त पर लोग अपनी गन से गोलियां फायर करते हैं, बुलेट्स फायर कर रहे हैं, वेपन का मिसयूज कर रहे हैं, ये क्रिमिनल मैटर है। लेकिन वो गोली गई और रिटर्न आते आते मेरी गाड़ी की छत में खड्डा कर दिया। अब उस बंदे को पुलिस ने अरेस्ट किया कि हम तुम्हें पनिश करेंगे, तुम्हारी पिटाई लगाएंगे। मैंने कहा एक मिनट सर, आप इसकी पिटाई लगाना, पर मेरी गाड़ी की छत में खड्डा हो गया, उसकी क्या दिलवा दो कंपनसेशन? सिविल सिविल, क्रिमिनल के साथ सिविल केस दोनों हो सकते हैं। यानी समझाने की बात यह है कि एक इवेंट में क्राइम और सिविल दोनों केस भी हो सकते हैं। सो इट इज नॉट एन इवेंट विच इज क्रिमिनल और सिविल, इट इज नॉट एन इवेंट विच इज क्रिमिनल और सिविल, इट इज अबाउट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी एक इवेंट में क्रिमिनल केस भी हो सकता है और सिविल भी हो सकता है। इट इज नॉट एन एक्ट विच क्रिएट्स डिस्टिंक्शन बट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी एक इवेंट में क्रिमिनल और सिविल दोनों केस फाइल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा है तो क्रिमिनल है, लेकिन अगर उस बीच किसी का नुकसान हो गया तो सिविल भी है। एक बंदे ने सिग्नल तोड़ा, आकर मेरी गाड़ी को हिट कर दिया, सिग्नल तोड़ा, फाइन लगा, लाइसेंस कैंसिल हुआ, सब हुआ। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी तो बनवा दो, मुझे कंपनसेशन तो दिला दो, क्रिमिनल के साथ जोड़ी में आ गया सिविल केस, तो अगर किसी का नुकसान हो गया तो सिविल भी हो जाएगा। देखो समझो, ऐसा नहीं है सिर्फ क्राइम होगा, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। आपने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा, क्राइम हो गया, उस बीच किसी का नुकसान हो गया तो सिविल मैटर भी बन गया। भाई मैंने सिग्नल तोड़ा, किसी को गाड़ी हिट नहीं हुई, तो सिविल इशू तो नहीं, लेकिन क्योंकि सिग्नल तोड़ा है तो क्राइम हो गया, सजा हो जाएगी। सो बात को समझें बेटा, एक है पब्लिक लॉ,
विच अप्लाइज ऑन द पब्लिक एज अ होल, एक है पब्लिक लॉ विच अप्लाइज ऑन द पब्लिक एज अ होल, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल लॉ, और एक है प्राइवेट लॉ, लोगों के आपसी मसाइल, आपसी राइट्स। पब्लिक लॉ में आ गया क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पब्लिक लॉ में आ गया क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, स्टेट विल फाइल द केस, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, क्राउन प्रोसिक्यूटर, पनिशमेंट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना, सिविल आपसी मसला, प्राइवेट लॉ राइट्स ऑफ पीपल, क्लेमेंट लिटिगेशन, कंपनसेशन, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जरूरी नहीं है कि आपके खिलाफ सिर्फ एक ही केस फाइल हो, जरूरी नहीं है कि आपके खिलाफ एक ही केस फाइल हो, क्रिमिनल सिविल दोनों भी हो सकता है। सो इट इज नॉट अ पर्टिकुलर इवेंट विच क्रिएट्स अ डिफरेंस, इट इज अबाउट लीगल कॉन्सिक्वेंस। अगर किसी का नुकसान हुआ तो सिविल भी हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो क्रिमिनल केस भी है, सिग्नल तोड़ा क्राइम हो गया, कोई हिट हो गया तो सिविल केस भी हो गया, सिविल केस भी हो गया, वेपन को गलत यूज किया क्राइम हो गया, किसी को गोली हिट हो गई, किसी की प्रॉपर्टी का लॉस हो गया तो सिविल भी हो गया, उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। सो बेटा देखें, याद करें, व्हाट इज लॉ, याद है लॉ क्या है, कॉमन लॉ क्या है, इक्विटी लॉ क्या है, स्टैट्यूट पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ, फिर पब्लिक लॉ है भाई, फिर प्राइवेट लॉ, फिर क्रिमिनल लॉ, फिर सिविल लॉ। ओके बेटा, फिर बुक ने बात शुरू करी कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन कोर्ट्स पर जाने से पहले बेटा आप लोगों को पता होगा कि जो बीपीपी की नई बुक है उसके अंदर असेंशियल रीडिंग भी होती है। असेंशियल रीडिंग क्या है कि इस मेन चैप्टर के साथ कुछ एडिशनल रीडिंग बुक के एंड में गिवन है, तो ये जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल बुक के एंड में गिवन है असेंशियल रीडिंग के अंदर। बेटा जो हमारी बीपीपी की नई बुक है उसमें हर चैप्टर को दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, मेन चैप्टर और एक असेंशियल रीडिंग, जो वैसे तो बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी के लिए है, लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं करते सेल्फ स्टडी, तो मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं। बेटा आप लोग अपनी बुक के आखिर में जाओगे, मैंने वो पेज उठाकर यहां पेस्ट कर दिए, तो बुक के अंदर आखिर में असेंशियल रीडिंग लगी हुई चैप्टर नंबर 1 की। सर पेज नंबर कौन सा है बेटा? मेरा ख्याल है 368 पर है, आप लोग के पास भी वही पेज होगा, कभी के बाद पेज नंबर बच्चों के आगे पीछे हो सकते हैं, सही? तो पेज नंबर 368 पर असेंशियल रीडिंग लगी हुई है, तो जितना अभी पढ़ा है दो क्लासों में इसकी असेंशियल रीडिंग भी कर लेते हैं। असेंशियल रीडिंग में फिर दूसरे पेज पर कोट है, तो कोट तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन असेंशियल रीडिंग जितना हमने पढ़ा है उसकी देख लेते हैं। असेंशियल रीडिंग क्या है? बेसिकली एडिशनल एक्सप्लेनेशन है, तो आइए जरा ये भी देख लेते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस एडिशनल एक्सप्लेनेशन है ताकि कोई चीज रह ना जाए, इसे भी रिव्यू कर ले। नाउ बेटा असेंशियल रीडिंग में देखिए, उसने सबसे पहले बात करी कि व्हाट इज लॉ। अच्छा अब हम इस पर बात ऑलरेडी मेन चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन असेंशियल रीडिंग में वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिस्कशन करता है। जैसे भाई उसने एक बेसिक वापस इंट्रोडक्शन दिया कि ह्यूमन सोसाइटी हैज डेवलप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर फ्रॉम प्रिमिटिव कल्चर। बेटा प्रिमिटिव का मतलब होता है इवॉल्विंग कल्चर, या ऐसे बोल दो फ्रॉम डेवलपिंग कल्चर, के जो ओवर द पीरियड डेवलप हुआ है। देखिए बेटा ह्यूमन कल्चर डायरेक्टली दुनिया में नहीं आ गया था, इंसान आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किया है, प्रिमिटिव कल्चर, डेवलपिंग कल्चर, इवॉल्विंग कल्चर। देखिए आप ऐसे समझे, चंद लोग एक जगह जमा हुए, सोसाइटी बनी, अब जब सोसाइटी बनी तो कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ, रूल्स डेवलप होना शुरू हुए, जो रूल्स फॉर्मलाइज्ड हो गए तो वो लॉ बन गया, जो रूल्स फॉर्मलाइज नहीं हुए तो वो एथिकल वैल्यूज में बदल गए। ओके, वेयर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज वॉज एट स्टेक टू द कॉम्प्लेक्स डाइवर्स एंड डोमिनेटिंग स्पीशीज दैट ह्यूमंस आर टुडे। कि भाई इंसान का कल्चर इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, सही, इंसान एक स्पीशी है,
एक ह्यूमन बीइंग एक जिंदा चीज है और फिर इंसान आज डोमिनेट कर रहा है। तो एक कल्चर इवॉल्व हुआ है। मच ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस डेवलपमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेबल टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द सोसाइटी। विद अ लिटिल फर्दर स्टडी द नीड फॉर सच रूल्स बिकम क्लियर। तो बेटा ये सारी बातें हम कर चुके हैं मेन चैप्टर में, व्हाट इज लॉ में, कि भाई किस तरह सोसाइटी इवॉल्व हुई, किस तरह रूल्स बने, और वही रूल्स एक सोसाइटी को लिवेबल बनाते हैं, वही रूल्स एक सोसाइटी को डेवलपिंग बनाते हैं। तो वही सारी चीजें वो एसेंशियल रीडिंग में रिपीट करता है। मैंने आपको पहले कहा था कि एसेंशियल रीडिंग वैसे तो बच्चे की सेल्फ रीडिंग है, लेकिन क्योंकि सारे बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, इसलिए मैं क्लास में रिव्यू करा देता हूँ ताकि आपको बाद में रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। इन द अर्ली डेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस सर्वाइवल वॉज अचीव बाय वर्किंग एज अ ग्रुप। There was a fine line between life and death. For example, the stealing of food from another group member could eventually result in starvation or death of the victim. कि भाई originally जो laws बने वो सिर्फ इसलिए थे कि इंसान जिंदा रह सके, कोई किसी का खाना चोरी ना कर ले। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो हुआ, जैसे जैसे इंसान डेवलप हुए, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, हमें मजीद रूल्स की जरूरत है। देखें दुनिया में इंटरनेट आया, देखो आज से 20 साल पहले इंटरनेट नहीं था, दुनिया में इंटरनेट आया साइबर लॉज बने, गाड़ियां आई ट्रैफिक लॉज बने, ओके अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं तो उससे रिलेटेड लॉज बनेंगे, सोशल मीडिया आया तो उससे रिलेटेड लॉज बने। सोसाइटी इज इवॉल्विंग, सोसाइटी इज डेवलपिंग, इट इज प्रिमिटिव कल्चर। ओके सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय रूल्स is at the foundation of the society that we see today. The framework that was created influences how individuals interact and how the businesses operate. तो ये सारी बातें main chapter में कर चुके थे, ये सारी बातें बेटा main chapter में कर चुके हैं कि what is law, law क्या होता है, कानून क्या होता है, इसके जरिए society evolve हुई है, इसके जरिए society develop हुई है, okay? Human society existence में आई इसके जरिए, सोसाइटी लिवेबल बनी। अगर लॉ ना हो, रूल्स ना हो, रेगुलेशन ना हो, लोग एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट ना करें, तो सोसाइटी कभी भी इवॉल्व नहीं कर सकेगी, सोसाइटी कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगी। ओके फिर बेटा वही टाइप्स ऑफ लॉ, कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कॉमन लॉ जो जजेस ने बनाया, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, वेस्टमिंस्टर हाउस। ओके कॉमन लॉ इज द लॉ मेड बाय जजेस व्हेन दे हियर अ केस बिफोर देम। ओके वी शैल सी लेटर दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रीसिडेंट। जुडिशियल माने जजेस, प्रीसिडेंट माने पुराने फैसले, के कॉमन लॉ जजेस के पुराने फैसलों के जरिए बना। तो ये सारी बातें प्रीवियस क्लास में कर चुके। रेमेडीज अंडर कॉमन लॉ आर मॉनेटरी। कॉमन लॉ में सिर्फ एक रेमेडी थी, मॉनेटरी कंपनसेशन, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो कॉमन लॉ से सेटिस्फाइड नहीं थे। हाउएवर देयर आर टाइम्स व्हेन मनी इज नॉट अ सूटेबल रेमेडी। फॉर एग्जांपल यू एग्री टू बाय अ यूनिक पेंटिंग फ्रॉम एन आर्ट डीलर। शुड द डीलर एट द लास्ट मोमेंट सेल द पेंटिंग टू समवन एल्स, डैमेजेस आर अनलाइकली टू बी एक्सेप्टेबल। After all, you wanted that painting. यानी उस वक्त हमें क्या चाहिए होगी, परफॉर्मेंस चाहिए होगी। तो इक्विटी कॉन्सेप्ट लाया था किस चीज का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि भाई कभी कभार डैमेजेस यानी मॉनेटरी कंपनसेशन सफिशियंट नहीं होती। ओके तो फिर क्या आ गया, इक्विटी वॉज डेवलप्ड आफ्टर कॉमन लॉ एज अ सिस्टम टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स वेयर डैमेजेस आर not suitable remedy and to introduce fairness. तो ये तमाम चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, ये तमाम बातें मैंने मेन चैप्टर के दौरान ऑलरेडी कवर करा दी है। तो essential reading is something an additional reading. ये बुक ने बच्चों को कहा कि आप लोग इसे पढ़ें। हमने पढ़ लिया लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ क्या होता है, इक्विटी लॉ क्या होता है, ये लास्ट क्लास में पढ़ के गए। फिर हमारे पब्लिक लॉ क्या होता है, प्राइवेट लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है भाई। कॉमन लॉ, लॉ मेड बाय जजेस, ओनली ऑर्डर वॉज रेमेडी, कंपनसेट, डैमेजेस दे दो।
लेकिन कभी कभार लोग डैमेजेस से खुश नहीं थे, लोग कॉमन लॉ के रूल से खुश नहीं थे, तो वो इक्विटी की तरफ आए। इक्विटी फेयरनेस का मॉडल, न्यू रेमेडीज आई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कि भाई आप अपना प्रॉमिस पूरा करो। भैया मुझे एक यूनिक पेंटिंग चाहिए थी, वो कहता है मैं पेंटिंग नहीं दे रहा, पैसे ले लो, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं। यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट परफॉर्मेंस, आई वॉन्ट परफॉर्मेंस, मुझे डैमेजेस मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए। ओके, तो ये तमाम चीजें, फिर इसी तरह पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ, ये भी सब पढ़ लिया है। ओके, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। अच्छा बेटे, बुक में एक टाइपिंग एरर है, ये इन पब्लिक लॉ नहीं है, यहाँ है इन प्राइवेट लॉ, ये बुक में टाइपिंग एरर हुआ हुआ है। इन प्राइवेट लॉ द स्टेट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद डिस्प्यूट्स एंड फॉर इन्फोर्सिंग डिसीशंस, बट इट इज फॉर इंडिविजुअल्स टू हैंडल द मैटर बिटवीन देम सेल्फ। प्राइवेट लॉ किस लिए है? लोगों के आपसी मामला के लिए। सरकार ने लॉ बना दिया है, लेकिन ये लोगों के आपसी मामला। इन प्राइवेट लॉ द स्टेट द गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ, बट ये लॉ लोगों के आपसी मामला के लिए, वो आपस में खुद सेटल करें। फॉर एग्जाम्पल, द कंज्यूमर राइट्स एक्ट रेगुलेट्स द सेल ऑफ गुड्स, इट प्रोवाइड्स रूल्स दैट मस्ट बी एडेड माने फॉलोड टू व्हेन मेकिंग अ सेल, शुड एनी डिस्प्यूट अराइज दैट इज कवर्ड बाय द एक्ट, इट इज अप टू द पार्टीज टू रिजॉल्व द मैटर्स देमसेल्फ यूजिंग द रूल्स लेड डाउन बाय द लेजिस्लेशन, द स्टेट डज नॉट गेट इन्वॉल्व। क्योंकि प्राइवेट लॉ है, आपका आपसी मसला है खुद हल, प्राइवेट लॉ है आपका आपसी मसला है आप खुद हल कर। याद करो आज ही पढ़ा है ना, पब्लिक लॉ प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ सरकार ने लॉ बना दिया, प्राइवेट लॉ सरकार ने लॉ बना दिया है, लेकिन आपके आपसी मसाइल है, आप उन्हें खुद डील करोगे। आप कोर्ट जा सकते हो, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट फैसला देगी, बट ये आप लोगों का आपसी डिस्प्यूट है। लॉज मौजूद है, कोर्ट उस पर डिसीशन देगी, लेकिन ये आपका आपसी मसला है। अगर कोई किसी को माफ करना चाहे माफ कर दे। प्राइवेट लॉ कौन सा मसला? आपसी मसला। पब्लिक लॉ इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट, इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट एंड द ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज काउंसिल्स एंड लोकल अथॉरिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक लॉ कैन बी फाउंड इन प्लानिंग रूल्स दैट मस्ट बी एडेड व्हेन बिल्डिंग और एक्सपेंडिंग ऑफिसेस, कि भाई आपने बिल्डिंग कितने फ्लोर की बनानी है, कैसे बनानी है। बेटा ऐसा होता है ना कि रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनेगी, रेजिडेंशियल इलाके में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नहीं बनेगी। पब्लिक लॉ जहां सरकार इन्वॉल्व है, कराची में अभी एक टावर था, नस्ला टावर, गलत गलत तरह बना तो सरकार ने तुड़वा दिया। इंडिया के अंदर अभी टू ट्विन टावर्स कोर्ट के ऑर्डर से बम लगाकर उड़वाए गए, सरकार पब्लिक लॉ। वो बोले यार अब तो बन गया, अब किसी को क्या नुकसान है, सरकार ने कहा नहीं, रूल्स लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक लॉ। तो ये सब हमने देखो, प्राइवेट लॉ पब्लिक लॉ आज पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, उसी की वो फर्दर डिटेल दे। अ की डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ इज हु टेक्स अप द केस व्हेन अ रॉन्ग इज कमिटेड। पब्लिक लॉ है तो स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी होगी, प्राइवेट लॉ है तो एक इंडिविजुअल आपके अगेंस्ट खड़ा होगा। पढ़ा है ना, आज ही पढ़ा ना बेटा, पब्लिक लॉ जिसका ताल्लुक तमाम लोगों से है, सरकार बीच में खड़ी होगी। और फिर पब्लिक लॉ में ही क्रिमिनल लॉ है, सरकार प्रोसिक्यूटर बनेगी, और प्राइवेट लॉ हमारे आपसी मसाइल है। क्रिमिनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ एंड डील्स विद द बिहेवियर दैट स्टेट कंसिडर्स अनवेलकम एंड विशेस टू प्रिवेंट। क्रिमिनल लॉ, आपने कोई प्रोहिबिटेड काम किया, क्राइम हो गया, यू विल बी पनिश्ड। क्रिमिनल लॉ डिसाइड्स हाउ दोस गिल्टी ऑफ कमिटिंग अनलॉफुल बिहेवियर शुड बी पनिश्ड।
क्राइम करोगे सरकार केस लड़ेगी, प्रोसिक्यूटर सब पढ़ाया हुआ है आज। यू विल नोटिस द नेम्स ऑफ क्रिमिनल केसेस आर रिपोर्टेड एज आर वर्सेस जोन्स। अब इधर आर से मुराद क्या होती है? इधर आर से मुराद असल में प्रोसिक्यूटर है। सही बेटा, यूके के अंदर क्योंकि किंगडम सिस्टम रहा है ना बेटा, यूके के अंदर क्योंकि किंगडम सिस्टम रहा है, तो आर से मुराद प्रोसिक्यूटर। रेजीना इज लैटिन फॉर क्वीन। तो जब भी क्रिमिनल केस का नाम लिखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर लिखा जाएगा स्टेट वर्सेस ओवैस, स्टेट वर्सेस अली, स्टेट वर्सेस सलमान। यूके में स्टेट की जगह क्वीन को रेफर किया जाता है। तो अब आप बोलोगे सर यूके में तो आज डेमोक्रेसी है, लेकिन स्टिल क्वीन को रिस्पेक्ट दी जाती है कि स्टेट की जगह क्वीन को रेफर किया जाता है। अब क्योंकि क्वीन की डेथ हो गई है तो किंग को रेफर किया जाएगा। तो आर वर्सेस ए, आर वर्सेस बी, आर वर्सेस सी, आर रेजीना इज लैटिन फॉर क्वीन। तो सर किंग को क्या बोलेंगे? रेजिन बोलेंगे, तो उधर भी आर ही यूज होगा, उधर भी आर ही यूज होगा। इन अ सिविल केस द पार्टी नेम्स आर यूज, लाइक ओवैस वर्सेस अली, यासिर वर्सेस सलमान, पीटर वर्सेस टॉम। सिविल केस में दो लोग लड़ रहे हैं, सिविल केस में कौन लड़ रहे हैं बेटा? दो लोग लड़ रहे हैं, सिविल केस में दो लोग लड़ रहे हैं। क्रिमिनल केस में सरकार केस फाइल कर रही, द स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर। तो यूके में स्टेट की जगह क्वीन को रेफर किया जाता है। अब क्योंकि क्वीन की डेथ हो गई तो अब किंग को रेफर किया जाएगा। तो लेट सम अप, सुनिए, व्हाट इज लॉ, पढ़ा दिया, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हाट इज कॉमन लॉ, लॉ मेड बाय जजेस। व्हाट इज इक्विटी लॉ, चांसलर, याद है किंग का चांसलर। स्टैट्यूट लॉ, जो कि पार्लियामेंट बना रही है। पब्लिक लॉ विच अप्लाइज ऑन एवरीवन, पब्लिक लॉ विच अप्लाइज ऑन एवरीवन। स्टेट इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट लॉ, डिस्प्यूट्स ऑफ पीपल, आपसी मसाइल। क्रिमिनल लॉ पब्लिक लॉ का पार्ट है, लॉ एंड ऑर्डर। सिविल लॉ प्राइवेट लॉ है, लोगों के आपसी मसाइल। पब्लिक लॉ में स्टेट केस करेगी, प्रोसिक्यूटर स्टेट का वकील। तो पाकिस्तान में, इंडिया में, इधर तो हम स्टेट यूज करते हैं। यूके में हम स्टेट की जगह किंग या क्वीन को रेफर कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड आर यूज किया जाता है। पाकिस्तान में आर नहीं, पाकिस्तान में स्टेट वर्सेस ए, स्टेट वर्सेस बी ऐसे लिखा जाए। ओके, सिविल केस में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। सो बेटा देखिए, असेंशियल रीडिंग में कुछ भी नया नहीं होता, लेकिन जाहिर है बेटा क्योंकि बुक का हिस्सा है, मैं आपको कंप्लीट चीज पढ़ाता हूं, तो इसलिए हमने उसे भी रिव्यू किया। सो देखिए बेटा, इन प्रीवियस टू क्लासेस हमने क्या पढ़ लिया, लॉ क्या है, कॉमन लॉ क्या है, इक्विटी क्या है, ओके, फिर स्टैट्यूट जो कि पार्लियामेंट बना रही है डेमोक्रेसी में, फिर कुछ लॉस पब्लिक लॉ हैं जो सब पर लग रहे हैं, और कुछ लॉस प्राइवेट लॉस हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल पे लग रहे हैं। पब्लिक लॉ के अंदर फिर क्रिमिनल लॉ भी है, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, और सिविल लॉ आपसी मसाइल है जिसे हम प्राइवेट लॉ बोलते हैं, और फिर असेंशियल रीडिंग भी देख ली। असेंशियल रीडिंग में उसने थोड़ी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई व्हाट इज लॉ, इस पर फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दी कि सोसाइटी इवॉल्व हुई, डेवलप हुई, रूल्स बने, कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, प्राइवेट लॉ लोगों के आपसी मसाइल। सरकार ने लॉ बनाए बेटा, देखो अगर आपसी मसाइल पर लॉ नहीं होंगे तो एक बंदा दूसरे के साथ गलत कर देगा। सरकार ने प्राइवेट लॉ के लिए भी कानून बनाया, लेकिन ये लोगों की मर्जी से हलो।
पब्लिक लॉ स्टेट गवर्नमेंट बीच में है, फिर पब्लिक लॉ में क्रिमिनल लॉ, लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक लॉ में केस कौन फाइल करेगी? स्टेट। तो यूके में स्टेट की जगह किंग या क्वीन लिखा जाता है, ओके। और प्राइवेट लॉ, दो लोग आपस में एक दूसरे पर केस कर। आई होप के बात समझ आई है। कोई भी क्वेरी हो, दिस इज माय नंबर, पूछें। डन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम किस पर आ जाएंगे? हम आ जाएंगे सिस्टम ऑफ कोर्ट्स के। इसी तरह बेटा रोज लेक्चर, बुक रिव्यू, लेक्चर, बुक रिव्यू, ऐसे चलते रहेंगे। चैप्टर पूरा, एग्जाम किट। एग्जाम किट होगी, टेस्ट होगा, क्लोज, अगला लॉ उठाएंगे, ओके। आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क, ओके। थैंक यू एवरीवन।